आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। एक बात बहुत ही एक कहने की बात है, ये जनता भी आप लोग सभी सोच सकते हैं कि अगर कहीं हम धार्मिक जगह की बात करें या किसी भी मनुष्य के अंदर अगर समाज सेविका की भावना आती है तो जो वो कार्य करते हैं वो कितना किस तरीके से निखार लेके आता है वो आप सभी दर्शक जानते हैं। तो आज हम ऐसे ही शख्स से आपके आज मुलाकात करवाने वाले हैं जो समाज सेवी हैं। इनका नाम है मिस्टर संजय कनौजिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा सब प्रदेशवासियों को नमस्कार। सर, जिस तरीके से अगर हम अभी लॉकडाउन की बात करें और इस बीच में काफ़ी आप बहुत चर्चाओं में रहे समाज सेवी की, जैसे अगर हम बात करते हैं तो मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को बताएं कि वो जो समाज सेवी का दौरा है आपने थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से निभाया है, किस तरीके से किया है। मैंने किया, ये तो परमात्मा का आशीर्वाद रहा जो मेरे माध्यम से लोगों पर जा पाया। मैंने प्रयास करा है, चाहे वो कपड़े रहे हों, चाहे मेरे से जितनी फाइनेंशियली हो, चाहे जितना राशन दिया गया मेरी तरफ से, वो मैंने ये सोच के नहीं दिया कि मुझे आगे इसका रिजल्ट मिले, क्योंकि मैं व्यापार नहीं कर रहा था, मैं सेवा कर रहा था। अगर मुझे सोचता इसका मुझे रिजल्ट मिले तो वो मेरा व्यापार होता है। मैं इस लायक नहीं कि लोगों को कुछ दे पाऊँ। परमात्मा का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, जो मेरे माध्यम से उनके मुँह लग गया वो भी मेरा एक परिवार है। सर, एक चीज़ और है कि आपका जो एक चुटकी भर नमक जो घर घर से लेने का एक जो आपका एक तरीके से आने वाले सारे समय में हमें सुनने में आ रहा कैंपेनिंग है या क्या है, मैं चाहूँगी कि सभी को बताइए क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत समय से ये जो लाइन है आपके माध्यम से बड़ा चर्चाओं में चल रही है और मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को पता चले ये है क्या, घर घर से कैसे लेना है या इस चीज़ के पीछे क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है जो इन्होंने एक ऐसा विचार रखा है, थोड़ा सा सभी दर्शकों को बताएं सर। नहीं, विचार क्या, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। हम लोग चुनाव लड़ लेते हैं, जनता से वादे कर लेते हैं, वो उनके साथ धोखा होता है। और अगर मेरे को विश्वास दिलवाना है और विश्वास दिलाना है तो मैंने सोचा हर घर से एक चुटकी नमक लिया जाए और नमक को एकत्र करके जब तक मैं सेवा करूंगा और जब तक जीवित रहूंगा वो नमक को खाऊं और मुझे याद रहे कि मैंने जनता का नमक खाया। नमक हरामी नहीं करूंगा, नमक का हक अदा करूंगा, ये मैं आपसे शपथ ले रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मेरी कोई परीक्षा लेना चाहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी या कोई भी इंसान, मैं देने के लिए तैयार हूं। सर, आज तक ना बहुत सारे समाज सेवक भी आए हैं, राजनेता भी आए हैं, बट अचानक से जो इस तरीके का एक जो चुटकी भर नमक का अगर हम बात करें तो आपके माइंड में ये आया कैसे, मतलब क्या सोच, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को थोड़ा सा वो पता चले क्या भावना थी आपकी जो ऐसा आपने विचार आपके मन में आया। विचार मेरे मन में, देखो मैं आपसे बताऊँ, कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता हूँ कि नया करा जाए, लेकिन अब लोगों को विश्वास दिला। और ये मैं फिर बोलूँगा, सिर्फ दिमाग में है कि गांधी जी ने एक बार शुरू करा था, अभी मैं कर रहा हूँ कि गांधी जी ने इतना बड़ा देश आज़ाद किया अकेले होते हुए, क्यों ना मैं इस काम को अपने लोगों को, अपनी जनता को, उनको उनका हक मिलना चाहिए जो सरकार से मिलती है, सुविधा है। किस तरीके, तो मेरा ये है, आज मेरे जैसा एक व्यक्ति जो कभी गली मोहल्ले का प्रधान के बारे में नहीं सोच सकता था, आज वो विधायक का चुनाव लड़ने के सोच रहा है। तो इनकी जो फाउंडर है, जो मेरे देश के आंदोलनकारी, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, अपने बच्चों की जाने दी, जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगा। इसलिए मैंने 21 तारीख को एक शांति पाठ और एक शांति भोज का प्रोग्राम रखा है शहीद स्थल में। मैं चाहता हूँ उनका इसका हक मिलना चाहिए जो सच्चे हकदार हैं इसके, जिनकी बदौलत ये राज्य मिला, जिन्होंने अपनी जाने दिए, जो मेरे जैसा एक व्यक्ति विधायक बनने का जो ख्वाब देख रहा, इसका असली फाउंडर जो मेरे प्रदेश के जो शहीद है, शहीद के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो माता है, जिन्हें अपने बच्चे खोए, उनका हक पहले है, मेरा बाद में। सर, अगर हम देखें कि जैसे कि एजुकेशन की, बिकॉज अभी लॉकडाउन जैसे लगा था और लॉकडाउन में काफ़ी सारा बच्चों का जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत से माता पिता भी ऐसे हैं जो कि एजुकेशन से लेके कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और उन्होंने, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूल से भी उन बच्चों को छुड़वा दिया गया, तो इस एजुकेशन की लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं। इसमें विचार रखने की जरूरत ही नहीं, इसके सबसे बड़े गुनाहगार आज तक के जितना नेता हुए किसी भी पार्टी के हुए, सबसे बड़े गुनाहगार वही हो गए।
सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, सरकार से तनख्वाह ले रहे सरकार से बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, इसके गुनाहगार ये नेता, मेरा बस चले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी। अगर ये बच्चे पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा बहुत बेहतर होगी और आप मानेंगे। स्कूलों की जो लूट है, सरकार ने आदेश कर दिए कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, लेकिन पूरी पूरी फीस ली जा रही है। मैं जो बच्चों के माता पिता उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़नी पड़े तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और आपको मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे जो बच्चे 90% के बच्चे मांगते हैं स्कूल के, सबसे फेलियर स्कूल प्रदेश में वही है, देश में वही है, जो 90+ के बच्चों को मांगते हैं, क्योंकि वो काबिलियत नहीं है कि बच्चे को पढ़ा पाए, वो अपनी नाकामी बच्चों की आड़ में छुपाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनको अपने बाप को किसी भी स्कूल में डालें, स्कूल विषय नहीं है, ये केवल ब्लैकमेलिंग हो रही है फीस के नाम की। आप मानेंगे 90% बच्चा होगा तो इसका मतलब आप पढ़ाना नहीं जानते। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी समस्त जनता को, अपने राजपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं संदेश तो देना चाहते हैं कि अभी कभी भी ना हम करें जो कहते हैं कि दलित समान लाइनों में करा, लाइनों में छोड़ने आदत, लगने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हम देने की नीयत करें ऊपर वाला दे देगा। आप केवल एक बात करो, अपनी ताकत को पहचाने। आप अगर काम कर रहे हैं, छोटा काम भी करूँ कम तनख्वाह भी मैं लूँ, जब पार्षद के माध्यम से लगे उनका हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई मेरी जीतने के बाद पहली लड़ाई मेरी ये होगी, दूसरी लड़ाई मेरी बस्ती होगी, और तीसरी लड़ाई जो आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था उनको, आंदोलन वालों को मिलना चाहिए। मैं इस लायक तो नहीं कि अपने पास, लेकिन लड़ाई लड़ूंगा सरकार से उनके साथ तक, उनके घर तक ये चीज़ पहुँचाना मैं चाहूँगा। और मैं बार बार बोलूँगा लाइन में लगना छोड़ो, मेरी गारंटी है भगवान सबको दे रहा है, आप अपना हक मांगो कि आपकी तनख्वाह आपको टाइम से और पूरी पूरी मिल जाए, ना कि ठेकेदार के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय चीज़ दिया और लोगों को बताया कि आपके क्या विचार हैं। आपका हमारे से आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पे आए, आपने इंटरव्यू लिया। मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ मेरी राजपुर विधानसभा के कानों तक, दिमाग तक पहुँचे, फिर वो राज्य में पहुँचेगी, फिर वो देश में पहुँचेगी। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। देखा भी हमने आपको, एक जो संजय कनौजिया सर हैं और समाज सेवी हैं, उनसे हमने आपकी सीधा बातचीत कराई और आपने जाना कि उनका जो विचार है, अगर वो 2022 के इलेक्शन में अगर आते हैं तो वो समाज के लिए क्या विचार रख रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं, आपने अभी सीधा उनके मुखारविंद से सुना। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।